ओके तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है वो कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फास्फोरस का जो कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके क्या क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रिएक्शंस है। ठीक है, उनको हम लोग डील करने वाले हैं आज। ठीक है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा एक दिन में हम आपको नहीं लेकर के जा रहे हैं ताकि इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के समझा जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। आ रहा बात समझ में, हम किस क्या आपको बताना चाह रहे हैं? क्योंकि तो रिएक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, उनको याद रख पाना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम रिलेट करके चलेंगे किस तरीके से है। लैंग्वेज में छोटा छोटा भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और नोट्स आपको प्रॉपर जाएगा, उसे आते हुए ले जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में किस तरीके से हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसके बारे में बोलता है? फॉस्फोरस, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। तो फॉस्फोरस अपने को पता ही है, ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का आता है, सेकंड मेंबर है। ठीक है, ऊपर में क्या रहता है? नाइट्रोजन, और उसके बाद अपना कौन सा आता है? फॉस्फोरस आता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है इसका? 15 हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यदि हम करते हैं, ठीक है, ये सब पहले पढ़ चुके हैं, बस छोटा सा आपको बताते रहे। 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 2p6, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 3s2, ठीक है, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 3p, कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा ना, 5 नहीं 3। ठीक है, ये तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जा रहा है फॉस्फोरस का, एकदम जस्ट इसके ऊपर में क्या था? नाइट्रोजन, तो सेम हुआ था, बस 2p क्या हो गया था? 3, इस तरीके से नजर आपको आया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स जो है फॉस्फोरस का, उसमें सबसे पहले जो बेसिकली हम लोग देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, वो है फॉस्फिन के बारे में, यानी हम यूँ कहें तो हाइड्राइड्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? फॉस्फोरस का हाइड्राइड। तो फॉस्फोरस का हाइड्राइड जो है वो कौन, सबसे पहले कौन सा देखने वाले हैं? फॉस्फिन, PH3। ठीक है, PH3, और ये PH3 तो बनता है लेकिन PH5 नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे PH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको बॉन्डिंग में हम बताए हैं ऐसा क्यों था कि PH5 एग्जिस्ट नहीं करता था, PH3 कर रहा है, ये सारा कुछ हम किसमें डिस्कस किए हैं? बॉन्डिंग में डिस्कस किए हैं, कैसे इनर्जी डिफरेंस ज़्यादा था, क्या था, वो सारा कुछ बॉन्डिंग में डिस्कस किए हैं। तो एक तरह से हम ये यदि बात कहें कि आपको ब्लॉक्स पढ़ने से पहले यदि बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर लें, पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। क्योंकि कई सारे रीजन जो है सब कुछ वहीं बताया हुआ है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज, कई सारा चीज़ तो वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक्स में तो बेसिकली कुछ जो उनके इंपॉर्टेंट्स, रिएक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग खास करके देखते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता जितना हम लोग को मन में कई बार आता है या फिर लगता है दूसरे को सुनने से, दूसरे से सुनने को मिलता है इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरीके से इनऑर्गेनिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आसान भी होता है, बस बशर्ते आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं वो बात इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम बात करें प्रिपरेशन, ठीक है, तो प्रिपरेशन यदि हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहला प्रिपरेशन जो है हम लोग क्या देखेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी का जुड़ना, सबसे पहले ही बताए थे। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा? यहाँ पे H2O होता है। H2O में दो चीज होता है, एक तो होता है H+ होता है और दूसरा होता है OH-। ठीक है, तो H+ और OH-, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे किसी के साथ भी ना, तो H वाला किसके पास चला जाएगा? निगेटिव पार्ट के साथ उसके चला जाएगा, और OH वाला किस कहाँ चला जाएगा? OH- उसके पॉजिटिव पास चला जाएगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसका करने वाले हैं? फॉस्फाइड का। ठीक है, फॉस्फाइड क्या है यहाँ पे? P3-। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड, और वाटर के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो ना, यहाँ पे जैसे ही टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, किस तरीके से हो जाएगा? कैल्शियम 3, तो Ca, और इस पे चार्ज क्या होता है? +2। ठीक है, और फिर किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा 2p, और क्या हो जाएगा? -3, यही तो हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है हम पहले ही बताएं किस में होगा, ये होगा OH- में, और साथ ही साथ किस में होगा? H+ में। ठीक है, तो ये जो H+ वाला जो है, वो कहाँ चला जाएगा? फॉस्फोरस के पास, क्योंकि निगेटिव वाला है, और OH वाला कहाँ चला जाएगा? इसके पास। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? बनेगा 3 CaOH का होल ट्वाइस, इज दैट क्लियर? ये आपका बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? 2PH3, 2PH3 ये आपका। तो ये किस किसका फॉर्मेशन हो गया इस यहाँ पे आपको? फॉस्फीन का। ठीक है, फॉस्फीन, ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यदि हम लोग लेबोरेटरी
बात करें लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो लेबोरेटरी में देखें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं वाइट फॉस्फोरस को। हम लोग कहीं भी आप देखेंगे तो वाइट फॉस्फोरस ही ले रहे हैं। वाइट फॉस्फोरस क्यों? क्योंकि वाइट फॉस्फोरस सबसे एक्टिव वाला था, पढ़े थे ना पिछले क्लास में ही देखे थे, वाइट फॉस्फोरस सबसे एक्टिव माना जाता है। तो जब भी हम लोग ले रहे हैं कौन सा लेंगे बेटा, हम लोग वाइट फॉस्फोरस ही लेंगे। तो वाइट फॉस्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, और वाइट फॉस्फोरस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पी फोर से। कैसे लिखेंगे? पी फोर से। और इसको किसके साथ करेंगे? एन ए ओ एच के साथ, कंसनट्रेटेड एन ए ओ एच के साथ। तो जब हम लोग इसको किसके साथ किए, एन ए ओ एच के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इन इनर टेटमोस्फेयर, ठीक है, इनर टेटमोस्फेयर, यानी कि इनर टेटमोस्फेयर बनाने के लिए किसको रखे, सीओ टू को, ठीक है। सीओ टू क्यों लिया गया, इनर एटमोस्फेयर बनाने के लिए। और बेसिकली सीओ टू काम क्या करता है, तो ये डिक्रीज कर देता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, ओ टू का, ओ टू के पार्शियल प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज। और यदि नहीं करेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो है सीओ टू लिया जाता है इनर्ट एटमोस्फेयर बनाने के लिए, और इनर्ट एटमोस्फेयर कहने का मतलब तो टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, इज दैट क्लियर। ये लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या लेते हैं, 3H2। ये रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ P4 3NaOH प्लस 3H2O, और ये क्या बनेगा, फॉस्फीन आपका बनता है PH3, ठीक है, और 3NaH2PO2 क्या बनेगा, 3NaH2PO2, इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा। P4 यहाँ किस में था, जीरो, फॉस्फोरस यहाँ जीरो में, और अब यहाँ पे किस पे आ गया, -3 में आ गया है। बात समझ में आया? तो किस में आ गया है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ये कहलाएगा। तो ये दो तरीका है किस चीज़ को बनाने का, फॉस्फिन एक तो हम लोग कैसे बनाए, बाय हाइड्रोलिसिस से, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यस लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा। सीओ टू के भी बारे में बताएं, ठीक है, इनर एटमोस्फियर का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हम बताएं किस तरीके से चल रहा है। अब आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है कि ये बेटा कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है। कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है। साथ ही साथ इसका जो महक होता है, ऑर्डर जो होता है, वो कैसा होता है, रोटेन फिश की तरह, सड़े हुए मछली की तरह स्मेल आता है। आप चले जाइएगा, ये इसका क्या हो गया, कलर हो गया, ठीक है, कलरलेस होता है। ये इसका ऑर्डर कैसा हो गया, रोटेन फिश की तरह। आप कभी सी बीच पे यदि आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मछुआरे जो हैं कई आपको देखने को मिलेंगे साइड इलाके में, जहाँ पे वो मछली, ठीक है, निकाल करके उसको सुखा करके, कई लोग वैसे भी उसको खाना पसंद करते हैं, वो सूखने के बाद या कई बार सड़ जाता है वो पूरा, तो उस वहाँ पे बड़ा ही बेकार महकता है वो, ठीक है, बहुत बेकार महकता है। ये रोटेन फिश की तरह जो है इसका स्मेल आता है, और ये हाईली पॉइजनस होता है। ये कैसा होता है, हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है, ठीक है, और ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। तो ये तीन चीज यहाँ पे, चार चीज नजर आया, कलरलेस, रोटेन फिश का ऑर्डर, ठीक है, हाईली पॉइजनस होता है, और सोल्यूबल किसमें होता है, वाटर में सोल्यूबल आपका होगा। यदि हम दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो NaPH3 का यदि हम लोग सोल्यूशन लेते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है, PH3 का सोल्यूशन लेते हैं किसमें, वाटर में, और किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस किसका लेते हैं, लाइट का, यानी कि थोड़ा सा जस्ट एनर्जी वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाएं, लाइट का लेते हैं हम लोग, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फॉस्फोरस में, यानी कि PH3 बेसिकली क्या ले रहे हैं, एक्वस लिख देते हैं। वाटर के प्रेजेंस में तो क्या लिख दिए, एक्वस, और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में, तो ये बेटा लाइट, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनता क्या है, फॉस्फोरस बनेगा, और ये फॉस्फोरस जो है वो रेड फॉस्फोरस होता है, और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन होगा, H2 गैस का फॉर्मेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? एंड क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी पे आए, तो कहता है कि जब व्हेन प्योर इट इज नॉन फ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है, यदि ये प्योर रहता है, प्योर वाले में क्या रहेगा, नॉन इनफ्लेमेबल रहता है, बट इट बिकम्स इनफ्लेमेबल, लेकिन ये इनफ्लेमेबल भी हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4, due to presence of P2H4 और P4 vapor, P4 vapor या फिर P2H4 के presence में inflammable बन जाएगा, ठीक है, to purify it, ठीक है, इसको क्या करेंगे, purify करेंगे from impurities, ठीक है, purify करते हैं इसको impurities से, it absorb HI, ठीक है, it absorb HI, ठीक, कैसे होगा, तो ये absorb कर लेता है HI को, तो basically
बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे क्या बोले, एब्जॉर्ब एच आई, एच आई के साथ बेसिकली रिएक्शन है यहाँ पे। तो एच आई ये आपको पता ही है क्या है, एसिड है। एच आई क्या है, एसिड, ठीक है, एसिड। और ये पी एच थ्री किस तरीके से यहाँ एक्ट करेगा, बेस की तरह। और ये क्या है, एसिड। तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये बनता क्या है, पी एच फोर आई, ये इस तरीके से बनता है, पी एच फोर आई का फॉर्मेशन होता है। और ये ठीक है, ये यदि इसको यदि हम फिर से बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, किसको, पी एच फोर आई को किसके साथ रिएक्शन करवा दें, बेस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से के प्लस और ओ एच माइनस ब्रेक करता है। यहाँ पे कैसे ब्रेक करेगा, ये पी एच थ्री प्लस एच प्लस और प्लस क्या रहेगा, आई माइनस, ऐसे टूटेगा। तो जिससे क्या बनेगा, सबसे पहले के प्लस जो है और आई माइनस मिल करके क्या बना देगा, के आई, ठीक है। पी एच थ्री निकल गया बाहर और यहाँ से ये ओ एच, ठीक है, यहाँ से ओ एच और ये वाला एच आपस में मिल करके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, वाटर। ये यहाँ पे क्या निकल रहा, वाटर। ये प्यूरिफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है इसका, किस तरीके से हम लोग इसको प्यूरिफाई कर देंगे। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि व्हेन एब्जॉर्ब इन कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट में ये भी सॉरी कॉपर सल्फेट में एब्जॉर्ब होगा या फिर HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड में यदि ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा, तो बनाता है आपका फॉस्फाइड, ठीक है, सॉरी क्या बनाएगा आपका, फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान में रखना है कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, CSO4, ठीक है, साथ ही साथ यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, PH3 फॉस्फीन, ठीक है, इसमें यदि एब्जॉर्ब हो रहा, बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा फॉस्फाइड। तो किसका फॉस्फाइड रहेगा, तो जाहिर सी बात है कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर प्लस टू, याद है CA3P2 कैल्शियम का कितना था, ये प्लस टू था। तो यहाँ पे एकदम सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे वहां पे क्या बनाए थे, CA3P2 ये लिखे थे, तो कैल्शियम का प्लस टू था ना, यहाँ कॉपर का भी क्या है बेटा, प्लस टू, तो क्या बना देंगे, Cu3P2 ये बन गया। और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, जो बचा हुआ है H2SO4, अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे तीन कॉपर है तो ये तीन दे देंगे, ठीक है, फॉस्फोरस कितना आ रहा है, टू आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, टू। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस करते समय ये देख लेंगे ध्यान से कि पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या बोला था, एच जी सी एल टू के साथ यदि हम लेते हैं, तो ये रहा एच जी सी एल टू और इसके साथ लेते हैं हम लोग पी एच थ्री, तो फिर से उसी तरीके से होगा, ठीक है, फिर से उसी तरीके से होगा कि यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे HgCl2 और उसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग PH3, तो PH3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो फिर क्या बनाएगा, फॉस्फाइड ही बोले थे, तो P क्या क्या रहता है, -3 और यहाँ पे Hg क्या है, फिर से प्लस टू में है, तभी तो दो Cl है, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये Hg3P2 बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, 6HCl जो है वो बनता है, HCl बनता है। अब इसको पूरा जो है बैलेंस करना होगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2। और ध्यान में रखना है कि ये जो बनेगा, ठीक है, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड जो बनता है ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। पांचवा प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहता है कि ये एक वीक बेस की तरह होता है, ठीक है, वीक बेस होता है और कंबाइन करता है किसके साथ, एसिड्स के साथ, लाइक एमोनिया, ठीक है, वीक बेस की तरह होता है और किसके साथ करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ लाइक एमोनिया, एंड फॉर्म फॉस्फोनियम सॉल्ट, किसका फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोनियम सॉल्ट का, जैसे ये PH3, ठीक है, PH3 किसके साथ किया, HBr के साथ, ये क्या एसिड है, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है एसिड है, तो रिएक्ट करेगा, ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है ये इससे ले लेगा, एसिड क्या देता है हाइड्रोजन, तो ये इसके लोन पेयर ने एसिड ले लिया और यहाँ क्या बन जाएगा, PH4 Br- ऐसे करता हुआ नजर आएगा बेसिकली, ठीक है, ये सॉल्ट आपका बन गया, PH4+ और Br-, ये आपका सॉल्ट बनता हुआ नजर आएगा। और यदि हम दोनों के बीच का डिफरेंस बात करें कि क्या डिफरेंस है NH3 और PH3 में, ठीक है, NH3 और PH3 में क्या डिफरेंस है, तो वो देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि NH3 जो होता है ना,
NH3 जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, NH3 जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है किससे, PH3 से, ठीक है, PH3 से ज्यादा बेसिक रहेगा क्या, NH3। और ध्यान में रखना कि जाहिर सी बात है NH3 मोर बेसिक होगा, तो इसका मतलब है NH3 कैन डोनेट इट्स लोन पेयर इजिली, किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। बस एक सिंपल सा ये भी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, NH3। और PH3 का हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है PH3 का। ये किसके आधार पे बात कर रहे हैं, तो ये डायगो आधार पे बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग किसमें देखे थे, केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोस रूल पढ़ने को मिलता है जहाँ पे NH3 के नीचे वाला, ठीक है, किसी का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है उस ग्रुप में, 15 हो 16 हो, ठीक है, ठीक है, 15 16 17 इस तरीके से किसी में भी, पहला वाला को छोड़ करके उसके नीचे वाला जो भी रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके हाइड्राइड का। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखें ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर जो है sp3 है, तो लोन पेयर प्रेजेंट किस में रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। लोन पेयर किस में मौजूद रहेगा, लोन पेयर मौजूद रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो s का कितना परसेंटेज हो जाएगा, s का 25, क्योंकि चार है ना, s है, p है, उसके बाद p है, देन उसके बाद क्या है, p है, तो एक का कितना होगा, 25 25 25 और 25, यानी कि s का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे 25% है, ठीक है, s कैरेक्टर 25% है। और यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, प्योर s ऑर्बिटल में, प्योर s ऑर्बिटल में। और यहाँ पे s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है, s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 100%। और अपने को कभी कभी ये लगता था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि s कितना परसेंटेज है, यहाँ पे कैरेक्टर 100% है, तो जहाँ पे s का कैरेक्टर ज्यादा होता, मोर s कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो बेसिकली वो उस लोन पेयर फॉस्फोरस जो है हाइड्राइड के साथ है आपका, तो वो लोन पेयर का जो है, लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट किस में है, पी ऑर्बिटल में, ठीक है, किस में प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल में, सॉरी गलत बोल रहे हैं हम, कि लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस, लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस जो है वो किस में प्रेजेंट है, प्योर एस ऑर्बिटल में, ठीक है, और कितना परसेंट है, एस। तो इसीलिए जो है वो आसानी से कौन दे पाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि NH3 जो है वो साइज में क्या होगा, छोटा होगा, NH3 साइज में क्या होगा, छोटा होगा। और वहीं यदि हम बात करें PH3 की, तो ये क्या होगा, साइज में बड़ा, क्योंकि फॉस्फोरस बड़ा होता है। तो इस पे जो है लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा इस एरिया में, छोटे से एरिया में, और ये लोन पेयर यहाँ जो है पूरा फैल गया है, लोन पेयर फैल गया है। तो हाइड्रोजन एच प्लस मान लेते हैं आ रहा है, घूम रहा है, और यहाँ भी एच प्लस घूम रहा है, ठीक है। तो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ मिलेगा, ज्यादा यही मिलेगा, छोटे से एरिया में ज्यादा डेंसिटी मिला, तो इसीलिए आज आसानी से यहाँ पे आ पाता है। और क्या बन पाता है, NH4+, क्या बन पाएगा, NH4+ बन पाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो आसानी से इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। तो ये PH4 बनता तो है, लेकिन आसानी से कौन बनता है, NH4+ बनता है। इज दैट क्लियर, ये एक डिफरेंस है। और इसका एक प्रूफ भी है, प्रूफ क्या है, यहाँ पे हम दिख रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा दे, NH3 का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब करवा दे हम लोग NH3 के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी कि CuNH3 का होल 4। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, कोऑर्डिनेशन में पड़े थे कि अंदर है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये SO4 बाहर, तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट किया हुआ आसानी से दे रहा है। लेकिन वही ये कॉपर सल्फेट का रिएक्शन यदि हम फॉस्फिन के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है Cu3P2, कैल्शियम, सॉरी कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, 3H2SO4। इज दैट क्लियर, ये आपका बनता हुआ नजर आता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे रहा है, एमोनिया दे रहा है, और ये एक अच्छा बेस है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और क्या अपने को देखने को मिलेगा,
तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्पॉन्टेनियस कम्बसन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन देखेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन। तो बोलता है ना कि स्पॉन्टेनियस कम्बसन ऑफ PH3, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन ऑफ PH3 इज टेक्निकली यूज इन होम सिग्नल। अब ये क्या होता है, होम सिग्नल हो सकता है, पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन होता क्या है वो आपको पता होगा। क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन ऑफ PH3 इज टेक्निकली यूज एज अ होम सिग्नल। जैसे कि आप देखे होंगे बड़े बड़े जहाजों में, ठीक है, बड़े बड़े शिप्स में इस तरीके कंटेनर कई सारा जो रखा हुआ रहता है। कहने का मतलब बेसिकली कि काम क्या था वो बता देता है डायरेक्ट। जैसे कि आप देखे होंगे कि जंगल में कोई गुम हो गया, ठीक है, या फिर जहाज जो है बीच पानी में गुम हो गया, उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके का कभी हो गया, तो वो सिग्नल अपना देता है, ठीक है, सिग्नल देता है। तो क्या करेगा सिग्नल देने के लिए, तो कुछ वैसा मटेरियल, कुछ वैसा केमिकल जो है वो पानी में डाल देता है जिससे कि केवल स्मोकी धुआं जो है वो बाहर निकलता है पूरा। तो यदि कोई चॉपर या आसपास में कोई है तो आसमान में धुआं दे करके उसको क्या कर पाता, आइडेंटिफाई कर पाता। तो बेसिकली ये किस लिए काम आता है, सिग्नल के लिए, सिग्नल देने के लिए काम आता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोले, होम सिग्नल कहा गया है। क्या बोलता है कि जहाज में क्या हम बोले थे कि कई सारा कंटेनर रहते हैं, और कई सारे, और वो कंटेनर में क्या रहते हैं, कंटेनर कंटेन करता है कैल्शियम, क्या कंटेन करता है, कैल्शियम कार्बाइड जो क्या है CaC2, और कैल्शियम फॉस्फाइड दैट इज CA3P2। ये अब इसमें क्या करते हैं, ये कंटेनर रहता है, कंटेनर में क्या कर दिए, कंटेनर में हम लोग, ठीक है, कंटेनर में हम लोग क्या कर दिए, छेद कर दिए, ठीक है, कंटेनर में छेद कर दिए, और छेद करने के बाद इसको कहाँ डाल दिया हम लोग, पानी में इसको डाल दिए, ठीक है, पानी में डाल दिए। अब पानी में डालने के बाद, ठीक है, पानी में डालने के बाद ये क्या बना देगा, इसका एक तो एसिटाइलिन गैस बना देगा C2H2, और यदि हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट लिए हैं इसको यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस, बेसिकली पानी में डाले तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ही होगा, तो ये क्या बना देगा, फॉस्फिन गैस बना देगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अचानक तो पूरा धुआं जो है स्मोकी जो है वो आपको नजर आएगा, यानी कि इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन, मतलब वही चीज हो गया, ठीक है, सिग्नल देने के काम में बेसिकली आता है, ठीक। तो होता क्या है, ये स्मोक स्क्रीन भी वही चीज है। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे जो गैस निकल रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, पूरा धुआं में फैल रहा है, ठीक है, आसमान में फैल रहा है स्मोकी एकदम, जिससे सिग्नल का, ठीक है, सिग्नल का ये काम करता है अपने पास, और स्मोकी स्क्रीन भी बनाता है, मतलब वही रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, PH3 का, ठीक है, और जो जलता है एयर में, ठीक है, बर्न इन एयर एंड गिव क्लाउड्स, एकदम जो है वो एक क्लाउड जो है स्मोकी क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मोक स्क्रीन। इसी को क्या कहा जाता है, स्मोक स्क्रीन कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस की। किसकी बात करेंगे, हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस का जो हेलाइड होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का फॉस्फाइड होता है, एक जो होता है वो PX3 होता है और एक जो होता है PX5 होता है, ठीक है। PX3 को फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ठीक है, ट्राई हेलाइड कहेंगे, ट्राई हेलाइड, ठीक है, और PX5 को क्या कहेंगे, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड, ठीक है, फॉस्फोरस क्या कहे, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड एक कहलाया और एक क्या कहलाया, फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड कहलाया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे PX3 का, ठीक है, PX5 का, यदि हम PX3 की बात करें, PX5 का, तो यहाँ पे एक्स जो रहेगा वो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका सबके साथ बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, SP3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, SP3। शेप कैसा होगा, पिरामिडल, ठीक है, ऑल बॉन्ड जो रहेंगे वो क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल, सारे के सारे PX बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और ये सारा कुछ कहाँ पढ़े हैं, बॉन्डिंग में, फिर से बता रहे हैं हम लोग, ये सारा कुछ कहाँ पढ़े हैं, बॉन्डिंग में। अब देखोगे दूसरा जो होता है वो फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड, जो PX5 होता है, और यहाँ पे एक्स जो होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, इस तरीके से, तो मतलब सब सारे हेलोजन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो SP3D होता है, पहले पढ़ चुके हैं, और शेप क्या होता है, ट्राइकोनल बाईपिरामिडल होता है, ये है, ये ऐसे ट्राइकोनल बाईपिरामिडल याद आ रहा, इस तरीके से, ठीक है, ये रहेगा, मान लेते हैं ये, और ये ऊपर भी सीएल, यहाँ भी सीएल, यहाँ भी सीएल, यहाँ भी सीएल। और खास बात यदि हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, PF5 के बारे में, PF5 PBI ध्यान में रखना है बेटा, क्या
Pf5 कोवेलेंट होगा, ठीक है। गैसियस में जो होते हैं सारे सारे पीएफ बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं सारे के सारे, यानी कि ऊपर वाला, हालांकि ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता, इक्वेटोरियल और एक्सियल पे ये पढ़ चुके हैं, लेकिन Pf5 में जो गैसियस फेज में पाया जाता है वो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं ड्यू टू स्यूडो रोटेशन, ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। और ये सब पढ़ा चुके हैं बॉन्डिंग में, बस एक टाइप का हम आपका रिविजन भी लेना चाह रहे थे ताकि आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाए। तो स्यूडो रोटेशन वगैरह क्या है आप बॉन्डिंग में से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि PCl Pf5 में, ठीक है, कोवलेंट होता है गैसियस में, सारे के सारे Pi बॉन्ड जो है वो क्या रहेंगे बेटा आपके आइडेंटिकल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसका, तो PCl5 का, PBr5 का, Pi का, तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाए हैं, दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक बॉन्ड जो होते हैं एक्सियल पे होते हैं और एक बॉन्ड क्या रहते हैं बेटा इक्वेटोरियल पे, ठीक है। किसमें? गैसीय स्टेट में, ठीक है, गैसीय स्टेट में ध्यान में रखना है। और ये कैसा नेचर का होगा? कोवलेंट नेचर का होगा। यदि हम सॉलिड स्टेट की बात करें, किसकी बात करें? सॉलिड स्टेट की, तो PCl5, ठीक है, PCl5 सॉलिड स्टेट जो होगा वो एग्जिस्ट करता है किसमें? PCl4+ और PCl6- में। वहीं PBr5 जो होगा वो एग्जिस्ट करता है PBr4+ में और Br- में, और Pi5 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है Pi4+ में और I- में। इसका हम लोग इस्तेमाल थोड़ा सा ऑर्गेनिक में भी करते हैं, आप जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाला पार्ट आएगा तो वहां पे हम बताएंगे कि ऑर्गेनिक में भी इसका एग्जिस्टेंस हम लोग इसी तरीके से लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। यानी रिएक्शन PCl5 का करवाना होगा तो डायरेक्ट PCl5 नहीं होता है, वो रिएक्शन इनके साथ होगा, डिपेंड करता है वहां पे डिमांड किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का है या फिर न्यूक्लियोफाइल का। इज दैट क्लियर? पीबीआर के साथ रिएक्शन होना रहेगा, PBr5 के साथ तो हम लोग इस फॉर्म में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। यानी पहले कौन रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एक खास बात, यहाँ पे PBr6- नहीं होगा, ठीक है, Pi6- नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। हम ये भी बताए थे कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान में रखना है। चलिए ये वाला फॉर्म में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के बारे में, कैसे प्रिपरेशन होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सबको देखते हैं। तो प्रिपरेशन जो होता है, प्रिपरेशन क्या बोलता है कि यदि हम लोग पास ड्राई Cl2 गैस, कौन सा गैस पास करवा दे इसमें हम लोग, ड्राई Cl2 गैस यदि हम लोग पास करवा देते हैं, ठीक है, हीट करते हुए, हीटेड वाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हुए, तो किसका फॉर्मेशन होगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि P4 6Cl2 और ये PCl3 जो है वो बन रहा है, ठीक है। दूसरा, बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन विथ व्हाइट फॉस्फोरस, देख रहे हैं हमेशा व्हाइट फॉस्फोरस आ रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस मोस्ट एक्टिव था, बताए भी थे हम पहले, इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसका एक्शन देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है, डायरेक्ट का डायरेक्ट आपको याद करना है ये रिएक्शन। तो P4+8SOCl2, ठीक है, गिव्स 4PCl3, 2SOCl2 और 4S42, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, बस ध्यान में ये रखेंगे। अरे क्या लिख रहे हो भाई, डॉटेड डॉटेड लिख रहे हो चैतन्य, लिखोगे तो यहाँ नाम भी आता है। हाँ हेलो, हाँ इसको मिटा देना। हेलो सर, गलती से वो हेडफोन लग गए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे खास बात ये रख सकते हो कि ऑक्सीडाइज इसमें कौन हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें ऑक्सीडाइज कौन होता है? तो फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूस कौन होता है? तो सल्फर रिड्यूस होगा, लेकिन सल्फर पार्शियली रिड्यूस होगा। कैसे? तो यहाँ पे 8 सल्फर जो है वो +4 में, इसमें +4 में, और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 सल्फर जो है वो +4 में मिलेगा और 4 सल्फर जो है वो +1 में मिलेगा। तो क्या बोलेंगे हम कि रिड्यूस तो कर रहा है, लेकिन कैसे रिड्यूस कर रहा है? पार्शियली रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम इसकी बात करें तो कैसा प्रॉपर्टीज होता है भाई? तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होगा, ठीक है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है,
और हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के भी प्रेजेंस पे क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। और यदि हम बात करें पीसीएल, ठीक है, पीसीएल ये एग्जाम में भी कई कई बार पूछ देता है बोर्ड वाले, पीसीएल फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, ठीक है, पीसीएल क्या प्रोड्यूस करता है, एक तरह से फ्यूम्स बनाता है मॉइस्ट एयर में, तो उसका रीजन क्या रहेगा इस तरीके का, कोई भी फ्यूम्स का फॉस्फोरस के साथ रीजन क्या रहेगा, हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलिसिस उसका होता है जिसके कारण वो फ्यूम्स का फॉर्मेशन करता है। तो यही पीसीएल थ्री, ठीक है, पीसीएल, ठीक है, थ्री प्लस थ्री एच टू ओ, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या बनेगा एच थ्री पी ओ थ्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा थ्री एच सी एल, ठीक, एच थ्री पी ओ थ्री, ये और साथ ही साथ क्या बन रहा है थ्री एच सी एल बन रहा है। इसका कैसे मैकेनिज्म होगा एक बार आपको बताते हैं ये, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये है आपका पी सी एल थ्री, ठीक है, बेसिकली क्या है ये आपका पी, ये आपका क्या है लोन पेयर, ये आएगा सी एल, ठीक है, ये आएगा सी एल और ये आएगा सी एल, समझ में आया। अब ये हम बताएं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका एस पी थ्री, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है ये, ठीक है, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, और यहाँ से किसका होगा अटैक, तो वाटर का, वाटर का, ठीक है, और वाटर कहाँ अटैक करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल में, डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास। तो फिर उसके बाद कैसा बनेगा ये जो क्लोरीन है सबका सब इस तरीके से आ जाएगा सी एल पी, ये जाएगा सी एल और ये जाएगा सी एल, और वाटर जो है ओ, ये एच और ये एच ऐसा नजर आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये नजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है एस पी थ्री डी, कैसा होगा एस पी थ्री डी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर निकलेगा और सॉरी एच निकलेगा, यहाँ से सी एल निकलेगा, तो बाहर क्या निकल गया एच सी एल, और ये वाला जो फेज है इसका वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, इज दैट क्लियर, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये चला गया, उसके बाद क्या बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि फॉस्फोरस, ठीक है, ये आपका सी एल, ये आपका सी एल और ये आपका ओ एच जो है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। अब अगेन हम सेम करेंगे वाटर के साथ, अगेन अगेन और अगेन करते हैं, तो दोनों सी एल फिर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा वाटर, और क्या बन जाएगा एच थ्री पी ओ थ्री बन जाएगा, एच थ्री पी ओ थ्री, और एच थ्री पी ओ थ्री क्या होता है बेटा डाई बेसिक होता है। यदि आप स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना रहे हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर गलत होता है, गलत नहीं, फिर इसके बाद क्या होता है टॉटोमेराइज हो जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म ऑर्गेनिक में, ठीक है, आइसोमेरिज्म में पढ़ाए थे हम, ठीक, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा टॉटोमेरिज्म करके, ये स्ट्रक्चर जो है आपका किसका आएगा, ये एस थ्री पी ओ थ्री का आता है, और ये डाई बेसिक होता है, ये पूछता है एग्जाम में डाई बेसिक, ठीक है, डाई बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पे OH देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन ही आपका एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और आता है, ठीक है, इसमें एक पार्ट और आता है, दैट इज क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट के ऑर्गेनिक में इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, वो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है ये, इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक, इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओ एच ग्रुप, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो ओ एच ग्रुप कंटेन किया हुआ है, ठीक है, और बेसिकली क्या करता है ये ओ एच ग्रुप को हटा करके, ठीक है, और जैसे कि क्या है ये पी सी एल थ्री है, पी सी एल थ्री है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा, और ओ एच हटा के सी एल डाल देगा, बस इतना ही ध्यान में रखेगा रखना है, ठीक है, ओ एच हटा के क्या डाल देगा सी एल, तो जैसे कि हम ले रहे एग्जाम्पल के तौर पर क्या सी एच थ्री सी डबल ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच, तो ये बेसिकली क्या होगा कि सी एच थ्री सी डबल ओ एच के साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ पी एच थ्री के साथ, और हाइड्रोजन सॉरी हाँ और इसका ओ एच हट के क्या लगेगा सी एल सॉरी पी सी एल थ्री ना पी सी एल थ्री के साथ, तो इसका अब बेसिकली क्या लग जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हट के ओ एच हट के क्या लगेगा सी एल, तो बनता क्या है ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ और ये लगेगा सी एल, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा एच थ्री पी ओ थ्री, अब तीन सी एल था तो तीन सी एल तो लगेगा नहीं, एक ओ एच हटेगा तो एक, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, ठीक है, ये आपका बना, ठीक है, ये आपका बना, और ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। PCl3 देख लिए, PCl5 देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज है, बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना हम लोग, क्या पासिंग ड्राई Cl2 होगा, लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट होगा फॉस्फोरस। तो ये याद हो गया आपको कैसे करना है। अब ये लिखेंगे P4 5Cl2, ठीक है, 5Cl2, ये क्या बन जाएगा, 4PCl5। बेसिकली आप पुराने रिएक्शन से इसको लिंक्ड भी कर सकते हो, जैसे P4, ठीक है, पुराने में क्या पढ़े थे, P4 + 5Cl2 क्या बन गया था, ये 4PCl3 बन गया। अब ये 4PCl3 में आप जोड़ दो 2Cl2, ये क्या बन जाएगा, PCl5, ये आपका बनता हुआ नजर आएगा, 4PCl5, ठीक है, ये आपका ऐसा है, ठीक ना। ये देखो जरा सा, चार ये 12, ओके 6 है ना, 6 गिल्ट, ठीक है। तो ये बैलेंस कर लेंगे, 4 ये 12, तो यहाँ वही हम चेक कर रहे थे, 6 Cl2 होगा, ठीक है, ये 6 Cl2 होगा, तो ये बन जाएगा, और फिर से करेंगे हम इसके साथ, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो उसके बाद हम लोग, ये तो प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन ऑफ यहाँ क्या था, याद है, वहाँ थायोनिल क्लोराइड था, यहाँ पे आपका आएगा सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ आपका रिएक्शन हो रहा है सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, हीट करेंगे हम लोग ओवर, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस के साथ, फिर वही ये आपका फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज देखेंगे कैसा होता है, तो येलोसिस वाइट कलर का होता है, ठीक है, येलोसिस वाइट पाउडर होता है, हाइड्रोलाइज्ड करने पे इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, वही वाइट फ्यूम्स वाला बात आ जाएगा, ठीक, PCl5 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, ठीक है, फ्यूम्स का बना देता है। अब रिएक्शन कैसे होगा, PCl5 वाटर के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या देता है बेटा, POCl3, और ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फिर से यदि हम लोग इसमें वाटर डालते हैं तो ये क्या बनता है, H3PO4 का फॉर्मेशन करता है। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचा है वो लिखेंगे, दैट इज PCl5 + 4H2O, ठीक है, साथ ही साथ H3PO4, ये पूरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के तौर पे भी हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल दे कि वाइट राइट बैलेंस इक्वेशन PCl5 विथ NaOH एसिड है, ये क्या है, बेस है, तो ये एसिड है, ये क्या है आपका, एज अ बेस काम करेगा, तो क्या बना देगा, ठीक है, फॉस्फाइट, याद आ रहा है, फॉस्फाइट बनाएगा यहाँ पे, Na3PO4 बनाता है, ठीक है, और ये बनेगा NaCl, और साथ ही साथ क्या बनता है, H2O बनता है। तो इस तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन भी छोटा मोटा आपसे कर सकता है, बात वही है, ठीक है, बात वही है, बस छोटा मोटा आपको घुमा करके कहीं ना कहीं से वो देगा किस तरीके से हो रहा है। तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बच गया है इसका जो है, इस यानी कि इस ग्रुप का थोड़ा सा पार्ट अपना बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को वाइंड अप करेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद किधर की ओर जाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेकर के जा रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट को लेकर के जा रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। NCERT पढ़ना मस्ट है, ठीक है, NCERT नहीं पढ़ेंगे कुछ फिर नहीं हो सकता है, ये चीज़ तो ध्यान में रखेंगे। तो एकदम NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में NCERT आपको कवर करना है। हाँ, अच्छा ये रहेगा कि नोट्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स जब आपके सामने हैं, बनाया हुआ है सब कुछ, आप लिखेंगे प्रिपेयर करेंगे, तो जब पढ़ेंगे उसी समय NCERT को भी उस टॉपिक को पढ़े, यानी कि इधर से नोट्स हम देख रहे हैं, इधर से NCERT कर रहे हैं, तो उसमें से भी मिलाएं कि क्या है क्या नहीं है, सब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से इंटेक्स का बनाएं, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, जो मॉड्यूल है उसमें से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जितना से जितना होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दे, कितना ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे ध्यान दे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है तो इन्फॉर्मेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन याद करें, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए भी बेहतर रहेगा। आ रहा बात समझ में, तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा लेक्चर, कॉम्पैक्ट लेक्चर, सारा कुछ उसमें आपका डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग एकदम टाइम से चल रहे हैं, जो अपना आज खत्म करना था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली कल तो आपका छुट्टी है,
है, कल ईद का आपका छुट्टी है, तो परसों हम लोग फिर से मिलेंगे, परसों फिर से हम लोग नाइट्रोजन 10 मिनट में ख़त्म करके उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।